बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शुरू करता हूँ सस्ती अल्लाह शरीक के नाम से, जो बादलों को ठंडे पानी से उठाता है, फिर फिजाओं में लहर आता है, फिर उनसे बूंदे बरसाता है। मैं लाखों करोड़ों दुरूद सलाम पढ़ता हूँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको हमारा रब बनाकर भेजा गया। सदर अलवकार और एल एल मदारी, जब मैं तारीख का मुताला करता हूँ तो मैं देखता हूँ अजमर अकीर की तस्वीर, शहीदों के लहू सलसी तारीख, गाज मेरा की तस्वीर, इकबाल का ख्वाब की ताबीर, मेरा पाकिस्तान लहू लहू जब जुल्म और जबर को तोड़ कर दुनिया के नक्शे पर उभरता है तो लोग जलकर कहते हैं चंदमा और सौ से ज्यादा टिकना पाएगा और दुनिया के नक्शे में गायब हो जाएगा। मगर आज तारीख का मंजर देखती है, न सिर्फ हम कामयाब है बल्कि हमने अपनी जिद्दोजहद से साबित कर दिया है। जब अपना काफिला अजमा यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अजमा यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। सदर अलवकार हम हरार में साबित कदम रहे और तरक्की की राह में आगे आगे और आगे बढ़ते चले गए। हम जुरात और बहादुरी में टीपू सुल्तान हैदर बने, वली की तलवार बने, फारूक की ललकार बने, हम चारे में शिराजी बने, हम नगर में फिरदौसी, हम साथ बने तब भूले शाह, हम साथ बने तब वारिस शाह, हम मस्त बने, हम रस्त बने, हम सज्जल सर मस्त बने। सदर अलवकार हम जिंदा कौम है और जिंदा कौम अपने मुल्क की आन मान और शान के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करती, क्योंकि वतन है तो हम है, क्योंकि वतन है तो हम है। ये सूरज या सितारों का जहान कोई न देगा, जमीन कोई तो तुझको माँ कोई न देगा, वतन ये मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे नादान, इसी को जिंदगी समझो, इसी को जिंदगी मानो, के पाकिस्तान के बाद तुम्हारा कुछ नहीं आ रहा, के पाकिस्तान के बाद तुम्हारा कुछ नहीं आ रहा। शुक्रिया।